जबलपुर के कुंडम में 11वीं की छात्रा से रेप हुआ है। इसके बाद छात्रा गर्भवती हो गई। मामले का खुलासा मेडिकल रिपोर्ट में हुआ। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके साथ एक युवक ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे लेकर छात्रा ने किसी को नहीं बताया था। तो वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रेप का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें मामला ये था कि एक नाबालिग के बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। वो ऐसा था कि वो अपनी नानी के घर में पढ़ती है, कुंडम एरिया में रहती है, और उसी का एक किराएदार है जो उनके यहाँ वर्षों से रह रहा है। बाद में किराएदार ने उस घर को खाली कर दिया था और इसकी दीदी की यहाँ पार्टी थी। इस पार्टी में ये बच्ची लड़की भी थी और लड़की छत के ऊपर पार्टी के दौरान इसके साथ दुष्कर्म किया गया था और बाद में इसको पता नहीं चला, ये प्रेग्नेंट हुई और इसके जब चेकअप हुआ तो मालूम चला, तो इस पर सारी कानूनी कार्रवाई कर ली गई है इस पर।